कांग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह का। दोस्तों, अब जो परिस्थितियां हैं, जो इस महामारी की सब जगह चर्चा है, कह रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है दुनिया में और वाकई बढ़ रही है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये 30-40 हज़ार थी तब हम हिंदुस्तानी लोग इससे इतना डरे हुए थे कि पूछो मत। और अब ये 14-15 लाख के आसपास पहुंचने वाली है, अब हम बिल्कुल नहीं डर रहे। चक्कर क्या है? चक्कर समझ में नहीं आ रहा। ये बीमारी बढ़ती जा रही है, कई जगह दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन लोगों का जो एक धैर्य है वो भी शायद अब जवाब दे रहा है कि बहुत हो गया। लेकिन अब बहुत हो गया कह के एकदम हम बाहर आ नहीं सकते। अगर हमें भीड़ में जाना है तो हमें जो प्रिकॉशंस वो लेने होंगे, मास्क लगाना होगा, हाथ धोने होंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बहुत कुछ कहा था, आपको याद होगा। कंग साहब कहते थे टेक इट ईजी, स्टे एट होम, मैटर ऑफ टाइम, ये वो, इट्स ओनली फॉर यू। ये मैंने आपको कई बार कहा था और मैंने कहा था कि शायद अब ये फाइनल मैच है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अभी लीग मुकाबले चल रहे हैं कोरोना के साथ, और फाइनल मैच तो तभी होगा जब कोई वैक्सीन निकल कर आएगी। लेकिन अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम प्रिकॉशन लें और इसके साथ जीना सीखें, क्योंकि सरकार ने भी बहुत प्रयास किए, अर्थव्यवस्था को दोबारा रिवाइव कर रही है और अब पटरी पर आती दिख रही है। तो उसके लिए अब ऐसा ना हो कि हम इसे एक बार फिर से वापस मजबूर करें और पटरी से इस अर्थव्यवस्था को उतार दें। ये पूरी दुनिया का हाल है, अकेला हमारे देश का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि घर बैठे बैठे उब भी गए हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया। आपको ध्यान होगा ऐसा भी हुआ है कि जब लॉकडाउन के दौरान 2-2 रुपए के बिस्कुटों के पैकेट करोड़ों की तादाद में बिके और करोड़ों रुपए की गाड़ियां पार्किंग में खड़ी धूल चाटती रही, ये भी हुआ है। कोरोना में ये भी हुआ कि हमारे कोट पैंट शर्ट टाई सब टंगे रह गए और बरमूडे पाजामे और टी शर्ट की शामत आ गई। दोस्त, मेरी आपसे एक निवेदन है कि जो आपके दोस्त लोग हैं ना, उन दोस्तों की आप बात आराम से दिल लगा कर बैठकर जरूर सुना करें, क्योंकि उन दोस्तों ने देख लिया है लॉकडाउन के दौरान घर पे रह के कि घर पर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। ये लॉकडाउन ऐसा था जिसमें आपकी जितनी भी पैंटे हैं वो सब टाइट हो गई होंगी, आप खुद भी टाइट हो गए घर पे बैठ बैठ के कि अब हमें जाना है बाहर, और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी ढंग से बोलना नहीं सीखा, उनके मुंह पे जब मास्क चढ़ाया गया तो वो ये सोचने लगे यार हमारा क्या कसूर है, क्यों ये मास्क हमारे यहाँ लगा दिया गया। लेकिन उन्होंने भी बहुत एडजस्ट किया है, अब बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान एक बात और मजेदार देखने को मिली कि पुलिस वाले वैसे तो कोई हड़ताल हो या आम बात हो तो पब्लिक को डंडे नहीं मार सकते, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पुलिस की डंडे मारने की खूब प्रैक्टिस हुई, जमकर प्रैक्टिस हुई। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने इतनी बार इन हाथों को धोया है कि अब इन हाथों का ये जो अंदर का साइड है ये हमारी स्किन से ज्यादा चमकने लग गया है, सबसे ज्यादा साफ सुथरे और गोरे हमारे हाथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि वो हाथ धो के पीछे पड़ गया। हाथ तो जरूर धोते थे, पीछे किसी के नहीं पड़ सकते थे, घरवाले के पीछे पड़ते थे तो वो पीछे पड़ जाती थी, घर पे लड़ाई होती थी, इसलिए बंदा हाथ धो के चुपचाप बैठ जाता। अब तो गब्बर सिंह भी नहीं आके कहता कि हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सब कहेंगे यार तू ले ले, हम तो वैसे बहुत दुखी हुए पड़े हैं हाथों को धो धोकर। एक बात सब लोगों के दिमाग में जरूर आई होगी कि यार ये कोरोना आम आदमी के पीछे क्यों पड़ा है। लोगों का कोरोना से विश्वास उठ गया क्योंकि उसने ना तो किसी भ्रष्ट नेता को टच किया ना किसी भ्रष्ट अधिकारी के पीछे पड़ा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले अगर कोई हमारे आसपास में कोई छींक मार देता था तो आदमी रुक जाता था कि कहीं मेरा काम ना रुक जाए,
और अब अगर आपके आस पड़ोस में कोई छींक मार दे तो रुका हुआ आदमी चल देता है कि कहीं मेरा ही काम ना हो जाए। दोस्तों ये भी सच्चाई है कि इस वक्त जिनके घर पर राशन है और अकाउंट में पैसे हैं उनको ही कोरोना का डर है, और जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं उनके लिए कोई कोरोना नहीं, उनको तो बाहर निकलना ही निकलना है। आप सावधानी से बाहर निकलिए और प्रिकॉशन लीजिए, अपनी और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और इस जो महामारी है उससे भी हमें निजात मिल जाएगी। कहते हैं ना कि लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है, अगर हम चिराग जलाते हैं तो अंधेरा हमसे रूठ जाता है। कांगड़े रंग में आज बस इतना ही, कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। कांग दे रंग।